हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप एवरीवन इज डूइंग ऑल राइट। माय नेम इज स्थितिक सुएरा। आप लोग मुझे देख रहे हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के आज के लेक्चर के अंदर। आज अपन एक्वाटिक कल्चर और जो भी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स इकोसिस्टम वगैरह है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन वो करने से पहले सबसे पहले रिविजन करते हैं। रिविजन किसका? रिविजन जो पहले अपन ने कल पढ़ा था उसका रिविजन करेंगे। सेडिमेंट्री साइकिल्स के ऊपर फोकस डालते हैं। सेडिमेंट्री साइकिल्स कल अपन ने डिस्कस कर लिया था। इससे पहले अपन गैशियस साइकिल्स पढ़ चुके हैं, कल अपन ने सेडिमेंट्री साइकिल्स पढ़ा था। जिस किसी ने भी ये दोनों चीज़ें नहीं देखी है तो आप पहले जाके वो वाले वीडियोज़ देख सकते हैं। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है। उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर की सीरीज चला रहे हैं अमीना मैम, उसका भी लिंक डाल दिया है। और करंट अफेयर्स और डेली न्यूज़ एनालिसिस का रेगुलरली मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, तो उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर है। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन अगेन, ठीक है। चलो, सेडिमेंट्री साइकिल्स अपन ने पढ़े थे। सेडिमेंट्री साइकिल्स के बारे में अपन ने क्या चीज़ देखी थी? सबसे पहली बात तो ये जो होते हैं इम्परफेक्ट होते हैं, ठीक है। ये इम्परफेक्ट होते हैं। इम्परफेक्ट का मतलब होता है कि इन्हें वापस से जो है उस जगह पर आने में, जिस जगह से निकले हैं वहाँ से आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। बजाय गैशियस साइकिल के, गैशियस साइकिल्स को परफेक्ट माना जाता है, ठीक है। एक तो इम्परफेक्ट हो गया। दूसरी बात ये है कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं, इनका रिजर्वॉयर कहाँ है? तो इनका रिजर्वॉयर जो है प्राइमरीली अर्थ के क्रस्ट में है। कहाँ है? अर्थ के क्रस्ट में है, बिल्कुल सही जवाब। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले फॉस्फोरस साइकिल है। फॉस्फोरस साइकिल एंटायरली जो है अर्थ के क्रस्ट और सेडिमेंट्री और उस फॉर्म के अंदर देखा जाता है। यहाँ पर एटमोसफेयर का कोई रोल नहीं है, ऑल्दो हाइड्रोस्फेयर का थोड़ा बहुत रोल आ जाता है। समझ में आया? देखो, फॉस्फोरस साइकिल के अंदर क्या होता है? सबसे पहले जो भी फॉस्फोरस की रॉक्स वगैरह होती है उनकी वेदरिंग होती है। वेदरिंग का मतलब टूटना, टूट के इधर उधर आगे पीछे जो है कहीं पे और चले जाना, ठीक है। वेदरिंग से एक तो वो पानी में चली जाएगी, दूसरा कहीं और चली जाएगी, जिससे क्या होगा, एक तो अंडरग्राउंड फॉस्फेट रिजर्व क्रिएट होंगे और दूसरा जो है पानी के अंदर फॉस्फेट सेडिमेंट्स का फॉर्मेशन होगा। समझ में? वहां पे भी फॉस्फेट का रिजर्व ऐसे क्रिएट होता जाएगा, अंडर वाटर फॉस्फेट रिजर्व, है ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद इन्हें जो है प्लांट्स यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेंगे। पानी के अंदर जो प्लांट यहाँ पे इन्हें अब्सॉर्ब करेंगे, बहुत ज्यादा उनकी हाइट ऐसे ग्रो हो जाएगी, ठीक है। और फिर अपन जो है कैसे प्लांट्स देखेंगे? ऐसे प्लांट्स देखेंगे। समझ में आया? उसके अलावा क्या चीजें जो यहाँ पे जो प्लांट्स इन्हें अब्सॉर्ब करेंगे उनकी भी हाइट काफी अच्छी खासी होगी। फिर उन्हें एनिमल्स खाएंगे, फिर एनिमल्स के अंदर भी फॉस्फोरस वगैरह आएगा। उसके बाद में उनकी डेथ होगी। डेथ होने के बाद में क्या होगा? डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजिशन से वापस से मिट्टी के अंदर फॉस्फोरस आ जाएगा। मिट्टी के अंदर वापस से फॉस्फोरस आने से वापस से इसे जो है प्लांट इसे ले लेंगे। तो ये ऐसा पूरा साइकिल चलता रहता है। लेकिन इसे वापस यहाँ पे जाने में, जहाँ से ये आया है, सोर्स पे जाने में बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ साल, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। समझ में आया? फिर उसके बाद अगली चीज़ क्या है? सल्फर साइकिल। सल्फर साइकिल अपन ने पढ़ा। सल्फर साइकिल के अंदर जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है, और जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें कहाँ से निकलती है? ये दोनों चीज़ें एक तो निकलती है वॉल्केनो से और दूसरी निकलती है फैक्ट्री से। फिर उसके बाद ये दोनों चीज़ें कहाँ जाती है? ये दोनों चीज़ें जाती है एटमोसफेयर के अंदर। एटमोसफेयर से कुछ एक का तो ड्राई डिपोजिशन हो जाता है, कुछ एक जो है पानी वगैरह के साथ, वाटर वेपर वगैरह के साथ मिलकर एसिड रेन क्रिएट करती है, ठीक है। क्या क्रिएट करती है? एसिड रेन क्रिएट करती है और सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्म में निकलती है, ठीक है। H2O नहीं, H2SO4 है ना, H2SO4, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्म में निकलती है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है? उसके बाद ये पानी में जाता है, ज़मीन पे जाता है, अलग अलग जगहों पर जाता है और जो है ज़मीन के अंदर इकट्ठा होता है। फिर प्लांट इसको लेता है। फिर प्लांट को कौन खाता है? प्लांट को लिविंग थिंग्स खाते हैं। लिविंग थिंग्स के खाने के बाद क्या होता है? इनके अंदर ये सल्फर वगैरह आता है। उसके बाद इनकी जब डेथ हो जाती है तभी वापस नीचे आ जाता है। समझ में आया? फिर उसके बाद क्या चीज़ है? कहाँ से निकलता है? फॉसिल फ्यूल वगैरह के ओर से भी सल्फर काफ़ी ज़्यादा निकलता है। ऐसे अगर आप कोल पढ़ेंगे, बाद में अपन कोल और कोल के टाइप्स पढ़ेंगे, तो कोल और कोल के टाइप्स में आता है किस कोल के अंदर जितना ज़्यादा सल्फर का कंटेंट होता है ना, उसे उतना ज़्यादा कम मात्रा का, ठीक है, कम मात्रा का या फिर कम क्वालिटी का कोल माना जाता है। समझ में आया? जिसके अंदर जितना कम सल्फर का कंटेंट होता है उसे उतना ज़्यादा बढ़िया माना जाता है। क्योंकि जब अपन स्टील बनाते हैं, ठीक है, स्टेनलेस स्टील बनाते हैं, तब क्या होता है, जिसके अंदर अगर ज़्यादा सल्फर होता है तो फिर वो स्टेनलेस स्टील बनता नहीं है, ढंग से बिगड़ जाता है, ठीक है। फिर अपन ने यहाँ पे देख लिया हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड। सिर्फ ये दोनों चीज़ें जो हैं ये दोनों एटमॉस्फेयर के अंदर जाती है। बाकी लार्जली सल्फर के जितने भी कंपाउंड्स वगैरह हैं वो सारे सेडिमेंट्री ही रहते हैं। समझ में आया? फिर उसके बाद क्या है? इकोलॉजिकल सक्सेशन। नेक्स्ट चीज़ अपन ने पढ़ी थी। इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंदर क्या हो रहा है? एक ऑर्गेनिज्म या एक कम्युनिटी जो है वो दूसरी कम्युनिटी को हरा रही है, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरी उसे हरा रही है, फिर उसे चौथी हरा रही है, और ये चीज़ चलती जा रही है जब तक जो है क्लाइमेक्स कम्युनिटी नहीं आ जाती है। कौन सी कम्युनिटी नहीं आ जाती? क्लाइमेक्स कम्युनिटी नहीं आ जाती।
जाती है। यहाँ पे इकोलॉजिकल सक्सेशन के अपन ने दो टाइप्स देखे थे, कौन कौन से टाइप्स देखे थे, एक तो देखा था प्राइमरी सक्सेशन और दूसरा देखा था सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, प्राइमरी सक्सेशन के अंदर क्या होता है, जो पायनियर स्पीसीज होती है, पायनियर स्पीसीज किसके ऊपर काम करती है, पायनियर स्पीसीज जो है वो डायरेक्ट बैरन लैंड के ऊपर, ठीक है, रॉक्स के ऊपर काम करती है ना। और सेकेंडरी सक्सेशन के अंदर ऐसा नहीं होता है, सेकेंडरी सक्सेशन जो है, सेकेंडरी सक्सेशन के अंदर ऑलरेडी सॉइल प्रिपेयर्ड होता है, ठीक है, सॉइल प्रिपेयर्ड होता है, उसके ऊपर पायनियर स्पीसीज काम करती है। पायनी जो प्राइमरी सक्सेशन है उसके अंदर मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, मिलियंस नहीं तो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, काफ़ी सारे साल लग जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हंड्रेड्स लगते हैं, बट इनके मुकाबले बहुत कम होते हैं, 150 ईयर्स के अराउंड लगते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितने लगते हैं, यहाँ पर जो है कम से कम भी 200, 300, 400, 500 साल लग जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या चीज़ है, व्हेन सीरीज ऑफ कम्युनिटीज डिस्ट्रॉय वन अनदर, ये मैंने आपको बता दें, जब तक लास्ट में एक स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी नहीं आ जाती। क्या नहीं आ जाती, जब तक लास्ट में एक स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी नहीं आ जाती। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, प्राइमरी सक्सेशन यहाँ पे देखा शुरू किससे होता है, पायनियर स्पीसीज लाइकेंस, लाइकेंस एंड मोजेस। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ती है और ये जो है जो भी लास्ट में ट्रीज वगैरह आ जाते हैं पायनियर्स के अंदर, यहाँ पे माइक्रोब्स, लाइकेंस, मोजेस वगैरह को देखा, ये देखो ये ऐसे दिखते हैं। ठीक है, फिर ये सेकेंडरी सक्सेशन है, यहाँ पे देखो पहले से सॉइल प्रिपेयर्ड है, यहाँ पर सॉइल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ रॉक है, सॉइल अब बनेगी। ठीक है, और यहाँ पर जो है पहले से सॉइल प्रिपेयर्ड है किसी भी कारण की वजह से, ये कारण जो है मैन मेड भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है। ठीक है, और उसकी वजह से जो वहाँ पर जो पहले से क्लाइमेक्स कम्युनिटी थी, क्या थी, वहाँ पर जो पहले से स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी थी उसकी किसी कारण से डेथ हो जाती है, तो अब जो नई कम्युनिटीज़ आती है उसकी जगह पे, ठीक है, वापस पायनियर स्पीसीज वगैरह आती है, इंटरमीडिएट आती है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी आएगी एट लास्ट में, समझ में आया, अराउंड 150 ईयर्स दे रखा है, इससे कम के अंदर भी हो जाता है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर मैंने फ़र्क आपको बता दिया, इसके अंदर कम टाइम लगता है वगैरह, ये चीज़ अपन डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट चीज़ चलो देखते हैं, एक्वाटिक इकोसिस्टम्स। अब एक्वाटिक इकोसिस्टम्स के अंदर क्या आता है, चलो एक्वाटिक इकोसिस्टम्स, एक्वाटिक इकोसिस्टम्स के अंदर क्या आता है, यहां देखो जो भी पानी के अंदर इकोसिस्टम देखने को मिलता है उसे अपन एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अब इस एक्वाटिक इकोसिस्टम के बेसिक सबसे पहले बता देता हूँ, इसे बोलते हैं फोटिक जोन। फोटिक जोन क्या चीज़ होती है, फोटिक जोन वो चीज़ होती है जहाँ जहाँ तक लाइट पेनिट्रेट करती है, जिस भी एरिया के अंदर पानी में, जिस भी एरिया तक लाइट पेनिट्रेट करती है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगर आपको याद हो तो अपन ने ये जो है वो पढ़ा था थर्मोक्लाइन। ठीक है, तो थर्मोक्लाइन का अपन ने मैप टाइप, ग्राफ टाइप पढ़ा था, जिसके अंदर अपन ने देखा था कि पहले तो यहाँ पर होती है लाइट, फिर उसके बाद यहाँ से थोड़ा कम करती है, फिर एकदम से ड्रॉप कर देती है, फिर उसके बाद जो है लार्जली कांस्टेंट ही रहती है, समझ में आया, लार्जली कांस्टेंट ही रहती है, ऐसा क्यों देखा था, पिछले वाले वीडियोस देखो। फिर उसके बाद क्या, यही सेम कारण है। ठीक है, थर्मोक्लाइन का क्या कारण होता है, सनलाइट ही तो कारण होता है ना। तो अब यहाँ पे देखो जो ऊपर वाला जोन है इसे फोटिक जोन कहेंगे, जो नीचे वाला जोन है इसे ए फोटिक जोन कहेंगे। क्या कहेंगे, ए फोटिक जोन कहेंगे। यहाँ पे ये अलग 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 काफ़ी टाइप्स के जो है एनिमल्स वगैरह, ऑर्गेनिजम्स वगैरह मिलते हैं। ठीक है, अपन को किसके बारे में पढ़ना है, अपन को किसी ऐसे खास के बारे में वैसे पढ़ना नहीं है। ठीक है, इनमें से ऐसा कुछ भी खास नहीं। यहाँ पे ऊपर ऊपर जो होते हैं फाइटो प्लैंकटन, जू प्लैंकटन होते हैं, ये क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, समझ में, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फिर उसके बाद क्या चीज़ है, बस यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है ना। चलो ओरल वीड वगैरह भी है, ये वीड भी जो है ये भी फोटोसिंथेसिस करती है। चलो इनको पढ़ेंगे अभी, उनको पढ़ने से पहले सबसे पहली चीज़ अपन देखते हैं लिमिटिंग फैक्टर्स। व्हाट आर लिमिटिंग फैक्टर्स, अब लिमिटिंग फैक्टर्स का क्या मतलब होता है, लिमिटिंग फैक्टर्स का मतलब होता है किसी भी प्लांट की या एनिमल की ग्रोथ कौन डिटरमाइन करने वाला है पानी के अंदर। ठीक है, बाहर भी लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं बट अभी अपन एक्वाटिक की बात कर रहे हैं ना, तो पानी के अंदर इसकी जो है ग्रोथ कौन डिटरमाइन करने वाला है। तो ये लिमिटिंग फैक्टर्स टोटल कितने होते हैं, टोटल चार होते हैं। कितने होते हैं, टोटल चार लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, पहला होता है सनलाइट, और दूसरा होता है टेम्परेचर, है ना, फिर उसके बाद तीसरा और चौथा, ये दोनों होते हैं, मुझे याद भी नहीं है, पहला एक डिजॉल्व ऑक्सीजन और ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, चलो सनलाइट, टेम्परेचर, डिजॉल्व ऑक्सीजन और ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ये वाली चीज़ें होती है, ट्रांसपेरेंसी और टेम्परेचर जो है ये दोनों, ये इनको चलो वापस से लिखते हैं। जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है और सनलाइट है ये दोनों प्राइमरी है, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, और जो टेम्परेचर है,
जो टेम्परेचर है एंड क्या चीज़ है बताओ, ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, जो ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी उसके बाद सेकेंडरी आता है, इनका बहुत ज़्यादा मेजर रोल नहीं होता। अब देखो सनलाइट एंड डिजॉल्व ऑक्सीजन का क्या होता है, सनलाइट जितना जो यहाँ पर भी जैसे ऊपर देखो तो यहाँ पर इस वाले रीजन के अंदर आपको ज़्यादा वो चीज़ देखने को मिलेगी, डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, है ना। भले इस फोटो, इस छोटी सी फोटो के अंदर इतना ज़्यादा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे अगर लार्जली आप देखो ना तो जो फोटिक जोन्स होते हैं, फोटिक जोन्स के अंदर मेजोरिटी जो है डाइवर्सिटी होती है, मेजोरिटी पॉपुलेशन फोटिक जोन्स के अंदर ही होती है। फिर जैसे जैसे अपन नीचे जाते जाते हैं ना, नीचे तो पॉपुलेशन कम होती जाती है क्योंकि यहाँ पर डिजॉल्व ऑक्सीजन भी कम होगा, समझ में आया, लाइट भी कम होगी, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगा, फूड भी कम होगा, है ना, वो सारी की सारी चीज़ें कम होगी, इसीलिए लार्जली जो है सारी पॉपुलेशन ऊपर ऊपर रहती है। ठीक है, अब देखो सनलाइट यहाँ पे फोटिक जोन, ए फोटिक जोन, ये मैंने आपको समझा दिया। विंटर किल यहाँ पे जो है बुक के अंदर विंटर किल के बारे में लिख रखा था। विंटर किल क्या चीज़ होती है, देखो विंटर किल के अंदर क्या होता है, जब कभी आपने ऐसे कोई मूवीज़ वगैरह देखी हो या कोई कुछ भी देखा हो तो उसके अंदर अपने यहाँ पे ऐसी चीज़ कम होती है यूजुअली, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो पानी, जो रिवर वगैरह होती है, ठीक है, या फिर कोई लेक होता है, कोई पॉन्ड होता है, ठीक है, तो उसका पानी ऊपर से बर्फ बर्फ जम जाता है पूरा का पूरा, ठीक है, और उसके बाद वहाँ पे लोग जो है आइस स्केटिंग वगैरह करते हैं, आइस हॉकी वगैरह खेलते हैं, ठीक है, जो भी टाइम पास करते हैं। अब इसमें अपन को तो मज़ा आ रहा है, ठीक है, इसमें अपन को तो पूरा मज़ा आ रहा है, ठीक है, बढ़िया, आइस स्केटिंग, आइस हॉकी, वो सब चीज़ें चल रही, लेकिन इसके अंदर कुछ ना कुछ फिशेज़ वगैरह जो भी इनकी पॉपुलेशन वगैरह रही होगी ना। अब अगर आप पानी की प्रोफाइल कभी भी देखोगे ना तो ये पानी ऐसे काम करता है, पानी के अंदर हमेशा ऊपर से बर्फ़ जमनी शुरू होती है। कभी भी अगर पानी को देखोगे, पानी में हमेशा ऊपर से बर्फ़ जमनी शुरू होती है, यही रीज़न है कि अपन आज अलाइव हैं, ठीक है। पानी में हमेशा ऊपर से बर्फ़ जमनी शुरू होती है, उसके बाद क्या होता है, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, ऐसे ऐसे परत जाती है। तो अब क्या होगा, अगर ये रिवर है, ठीक है, तो इसके अंदर ऊपर से बर्फ़ जमनी शुरू होगी, यहाँ पे नीचे जो है काफ़ी सारी फिशेज़ वगैरह होंगी, ठीक है, नीचे काफ़ी सारी फिशेज़ और अलग अलग ऑर्गेनिज्म वगैरह होंगे। उसके बाद ये ऊपर जा सकते हैं क्या, नहीं, उनकी इतनी क्षमता नहीं होती कि बर्फ़ तोड़ सकें, ठीक है, बर्फ़ बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, बर्फ़ को तो तोड़ नहीं सकते, बर्फ़ को तोड़ के फिर उसके बाद बाहर भी जा नहीं सकते, ऐसा तो है नहीं कि बर्फ़ के ऊपर चल के बताएंगे, है ना, तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से क्या चीज़ होती है, एक तो सनलाइट आना बंद हो जाता, दूसरी बात ऑक्सीजन का इंटरमिक्सिंग बंद हो जाती है, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन भी ऊपर जब ये जो परत होती है ना, ठेठ जो ऊपर वाली परत होती है, इसके अंदर ऑक्सीजन का इंटरमिक्सिंग होती है, समझ में आया, नीचे कहीं पर भी नहीं होती तो ऊपर होती है, इसलिए खुला होना ज़रूरी है, ठीक है। अब जो है ये चीज़ हो जाती है, तीसरी बार ट्रांसपेरेंसी वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो जाती है ना। तो इन सारी ही चीज़ों की वजह से, ट्रांसपेरेंसी वगैरह की वजह से क्या, फोटोसिंथेसिस वगैरह ये सब चीज़ें नहीं हुई, इन सारी ही चीज़ों की वजह से इनको खाना नहीं मिलेगा, इनको सांस नहीं आएगी, और इस वजह से ये सारी की सारी सफोकेट होकर फिर बाद में मर जाती है। अब ये मर तो जाती है, नीचे ही रह जाती है, जब ये जब तक बर्फ़ पिघलती नहीं है ऊपर की, तब तक पता नहीं पड़ता है, जैसे ही बर्फ़ पिघलती है तो फिर ये एक साथ जो है सारी की सारी मछलियाँ ऊपर आ जाती, तो ऐसी चीज़ होती है विंटर किल के अंदर, ठीक है, दिस इज विंटर केल। आपको कहीं प्री वगैरह के अंदर पूछ सकते हैं, नहीं तो छोटे एग्जाम में आ सकता है, अपने प्री के अंदर थोड़े से चांसेस कम है। डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या चीज़ होती है, देखो भाई डिजॉल्व ऑक्सीजन ये सेकेंड लिमिटिंग फैक्टर है, क्या चीज़ है, सेकेंड लिमिटिंग फैक्टर है। इस सेकेंड लिमिटिंग फैक्टर के अंदर क्या होता है, पानी के अंदर कितना ऑक्सीजन है, ठीक है, इससे डिपेंड करता है वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो कितना फलने फूलने वाला है। अब अगर वार्म वाटर है तो वार्म वाटर्स के अंदर ऑक्सीजन जो है लेस सॉल्यूबल होता है, तो वार्म वाटर के अंदर क्या होगा, वार्म वाटर के अंदर जो है पॉपुलेशन भी, जो भी स्पीसीज वगैरह है उनकी पॉपुलेशन भी कम होगी, समझ में आया, उनकी पॉपुलेशन भी कम होगी। उसके बाद बाद में क्या दे रखा है, इंक्रीजिंग रेट ऑफ ऑक्सीजन डिप्लीशन ड्यू टू मोर बैक्टीरिया रेस्पिरेशन। अब देखो ये सेकेंड पॉइंट है ना, ये एक पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट है, ये डिप्लीशन, वैसे ये जब अपन आ गया ना यूट्रोफिकेशन पढ़ेंगे तब समझ लेंगे, इसको अभी याद रखना कि बैक्टीरिया और रेस्पिरेशन कोई चीज़ हो रही है, ठीक है, ऑक्सीजन जिसकी वजह से डिप्लीट हो रहा है, ठीक है, अभी इसको देखेंगे, यूट्रोफिकेशन के अंदर आएगा। ट्रांसपेरेंसी को समझो, ट्रांसपेरेंसी के अंदर क्या चीज़ है, अगर ट्रांसपेरेंसी, अगर जो है जैसे ये पानी है, ठीक है, अगर इसके ऊपर खूब सारा कचरा वगैरह जमा होगा, खूब सारा जो है कुछ और एल्गी वगैरह जम गई, इसे भी वैसे यूट्रोफिकेशन में आएगा ये डिटेल में, ठीक है, तो फिर क्या होगा, सनलाइट आ पाएगी क्या, नहीं आ पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से जो फाइटो प्लैंक्टन्स वगैरह है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। अगर फाइटो प्लैंक्टन्स वगैरह फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, पहली बात, ठीक है, दूसरी बात, अगर वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो उनकी जनसंख्या कम हो जाएगी, ठीक है,
है, दूसरी बात। तीसरी बात क्या होगा, अगर इनकी जनसंख्या कम हो जाएगी तो फिशेस खाएंगी किसको, समझ में आया? तो फिशेस किसी को खा नहीं पाएंगी। उसके बाद अगर फिशेस किसी को नहीं खा पाएंगे तो उससे बड़ी जो इंटरमीडिएट फिश होती है, जो लार्जर फिश होती है, वो किसको खाएंगी? वो किसी को भी नहीं खा पाएंगी, समझ में आया? इस तरीके से पूरा का पूरा जो है लेक या पूरा का पूरा जो सी वगैरह जो भी है वो डेड बन जाएगा, समझ में आया? डेड हो जाएगा। अब देखो ट्रांसपेरेंसी लिमिटिंग लिमिट्स लाइट पेनिट्रेशन वगैरह ये आपको समझ में आ गया। टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर के अंदर एक बहुत शानदार कंसेप्ट आता है स्पेसिफिक हीट का। अभी स्पेसिफिक हीट का क्या कंसेप्ट होता है, देखो अगर आप में से किसी ने कॉन्टिनेंटैलिटी और वो पढ़ा हो, मैरीटाइम इफेक्ट पढ़ा हो, ठीक है, कॉन्टिनेंटैलिटी और मैरीटाइम इफेक्ट पढ़ा हो, तो उसको समझ में आएगा कि जो लैंड है, तो लैंड जो है जल्दी हीटअप होता है, ठीक है, और जल्दी कूल डाउन भी हो जाता है। वहीं जो वाटर्स हैं, ठीक है, जो भी सीज वगैरह ओशंस वगैरह हैं, वो बहुत धीरे धीरे हीटअप होती है और बहुत धीरे धीरे कूल डाउन होती है, समझ में आया? ठीक है, बहुत जल्दी हीटअप नहीं होती, जल्दी कूल डाउन भी नहीं होती, धीरे धीरे हीटअप होती है, धीरे धीरे कूल डाउन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनकी इसकी रेंज भी कम हो जाती है। जैसे अगर मैं आपको समझाऊं तो जो ये होते हैं फिरंगी वगैरह होते हैं, ठीक है, अंग्रेज वगैरह होते हैं, ये यहाँ पे जैसे ही आते हैं 2 4 दिन के अंदर इनके पूरे गाल वगैरह सब कुछ लाल हो जाते हैं एकदम, ठीक है, और अपन जो है अपन कितना भी घूम ले अपना कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब होता है, उनकी जो है उससे जो सनलाइट वगैरह उनकी इतनी आदत नहीं है, समझ में, उनकी बॉडी ऐसे बनी ही नहीं है, ठीक है, उनकी बॉडी ऐसी प्रिपेयर ही नहीं हुई कि वो इतनी सनलाइट वगैरह ऐसे कुछ जो भी ले सकें, तो इसीलिए वो वहाँ पे तो एकदम सफ़ेद हुए हुए होते हैं जैसे भाई कोई लाश हो, ठीक है, और यहाँ पर आते ही वो जैसे ही अगर यहाँ पर आएंगे तो एकदम लाल पीले हो जाएंगे और उनका पूरा जो है शरीर अलग से ही लगने लग जाएगा, ठीक है। तो वो क्या चीज़ होती है, वो उनकी बॉडी जो है उसके लिए ससेप्टेबल नहीं है। अब जो पानी है, पानी के अंदर भी क्या बात है, पानी के अंदर भी यही बात है कि वहाँ के जो एनिमल्स वगैरह हैं, ठीक है, उनकी बॉडी इसी हिसाब से बनी है फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स कि यहाँ पर पानी धीरे धीरे गर्म होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा, और अगर धीरे धीरे गर्म होगा तो कभी भी पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला, ठीक है, जितना ज़्यादा जो है हवा का जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, कितनी बार अपने यहाँ पे तो जैसे जो है लू वगैरह चलती है, ठीक है, तो वहाँ पे कभी भी ऐसे लू वगैरह ऐसा कुछ भी को पानी के अंदर कोई कंसेप्ट ऐसा चलने वाला नहीं है ना। वार्म करेंट्स होते हैं वो अलग चीज़ है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो भी वार्म होते हैं, हॉट नहीं होते हैं, अपने यहाँ पे हॉट होते हैं, समझ में। तो अपन तो थोड़े ससेप्टेबल वगैरह होते हैं, फिर भी अपने यहाँ पे भी काफ़ी सारी डेथ्स वगैरह जाती है, आपको पता ही होगा, ठीक है, हीट वेव्स के अंदर काफ़ी सारे लोग मर जाते हैं, काफ़ी उनकी डेथ हो जाती है ना। तो अब क्या चीज़ होती है, वहाँ पर क्योंकि ज़्यादा उनकी ससेप्टेबिलिटी नहीं है, जिस वजह से अगर हल्का फुल्का भी राइज होता है टेम्परेचर के अंदर, तो जिसकी वजह से उनकी काफ़ी ज़्यादा जो है जान जा सकती है, समझ में आया? वाटर टेक्स लार्ज अमाउंट, ये सब मैंने आपको बता दिया। देयर फॉर इवन स्मॉल चेंजेस इन टेम्परेचर इक्वल्स टू ग्रेट थ्रेट, समझ में आया? ठीक है, अगर हल्का फुल्का भी जो है टेम्परेचर के अंदर राइज होता है तो काफ़ी लोगों की जान जा सकती है। #, ये लोग नाजुक हैं, समझ में आया? फिर उसके बाद क्या चीज़ है, अभी अपन ने एक्वेटिक इकोसिस्टम्स पढ़ेंगे, ठीक है, अभी अपन सारे एक्वेटिक इकोसिस्टम्स पढ़ेंगे। एक्वेटिक इकोसिस्टम्स के अंदर लार्जली किन किन चीज़ों को देखेंगे, अभी तक सिर्फ लिमिटिंग फैक्टर देखा है, लार्जली किन किन चीज़ों को देखेंगे, एक तो लेक इकोलॉजी को देखेंगे, है ना, उसके अलावा क्या देखेंगे, उसके अलावा वेटलैंड्स को देखेंगे, है ना, उसके अलावा क्या देखेंगे, उसके अलावा एस्चुरीज को देखेंगे, है ना, ये यू है, उसके अलावा क्या देखेंगे, उसके अलावा कोरल्स को देखेंगे और मैंग्रोव्स को देखेंगे, है ना, ये सब चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं लेक इकोलॉजी से। लेक इकोलॉजी कहाँ है, ये रही लेक इकोलॉजी। लेक जैसे जो है अपन लोग काम करते हैं वैसे ही लेक भी काम करता है, उसका एक पॉइंट पे जन्म होता है, उसकी एक पॉइंट पे ग्रोथ होती है और फिर वो एक पॉइंट पर मर जाता है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा नेचुरल प्रोसेस है, इसके अंदर कोई भी खास बात नहीं। लेकिन ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस मिलेनियास तक चलता है, मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक चलता है, ठीक है, या करीबन 1000 साल तो ले ही लेता है, ठीक है, उसको पैदा होने में, ग्रोथ करने में और वापस मर जाने में, ठीक है। अब ये तो नेचुरली होता है, कुछ जो है इनकी डेथ वगैरह जल्दी भी हो सकती है, एक्सेलरेटेड रेट से भी हो सकती है। तो एक्सेलरेटेड रेट से कब होगी, एक्सेलरेटेड रेट से तब होगी जब अपन लोग बीच में आ जाएंगे, समझ में आया? तो यूट्रोफिकेशन और जो है जिसके दो टाइप्स हैं, पहला नेचुरल यूट्रोफिकेशन और दूसरा कल्चरल यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन का क्या मतलब होता है, बेसिक अगर आप मतलब समझे तो पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा का बढ़ जाना
ही यूट्रोफिकेशन होता है। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा, किसकी मात्रा? न्यूट्रिएंट्स की मात्रा का बढ़ जाना यूट्रोफिकेशन होता है। अब देखो, यूट्रोफिकेशन के दो टाइप होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है कल्चरल। नेचुरल जो है उसके अंदर सेंचुरीज लगती है, अभी मैंने आपको बताया हजारों साल लग जाते हैं, समझ में आया? ठीक है, सेंचुरी का मतलब सैकड़ों होते हैं, यहाँ पे अपन हजारों पकड़ रहे हैं, ठीक है, हजारों साल लग जाते हैं। कल्चरल के अंदर क्या चीज होती है? कल्चरल के अंदर जो बहुत ज्यादा एक्सेलरेटेड रेट होती है, और कुछ दशकों के अंदर ही जो है लेक डेड हो सकता है। एग्जाम्पल क्या है इसके ऊपर, कहाँ क्वेश्चन आया, समझ में आया? अब देखो, अब भला न्यूट्रिएंट के बढ़ने से कैसे डेथ हो सकती है, इसके ऊपर जो है अपन डिस्कशन करते हैं। न्यूट्रिएंट तो अच्छी बात होती है, जैसे ये जो है ये पतला आदमी है, बहुत ज़्यादा देखो हालत इसकी ख़राब है, तो इसको क्या बोलेंगे कि थोड़ा खाया पिया कर, ठीक है, थोड़ा अपना सेहत का ध्यान रखा कर। तो फिर ये क्या करेगा, ये सब खाएगा, बहुत सारी चीज़ें खाएगा, बढ़िया बढ़िया खाएगा। ये सब बढ़िया बढ़िया चीज़ें क्या है, ये सब न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स ही तो है ना, मेजर न्यूट्रिएंट्स। तो ये सब न्यूट्रिएंट्स खाएगा, न्यूट्रिएंट्स खाने के बाद वाह बॉडी बिल्डर बन गया, है ना, बॉडी बिल्डर बन जाएगा। लेकिन अगर इस पॉइंट के बाद इसने इन न्यूट्रिएंट्स को रेगुलेट नहीं करा और खाता गया, पहले तो ये भाई राइजिंग रेट से खा रहा था ना, पहले जैसे मान लो दो रोटी खाता था, फिर इसने तीन शुरू करी, चार शुरू करी, पांच शुरू करी, अब ये पांच के बाद पांच में ऐसा बन गया, ठीक है, फिर भी ये मान नहीं रहा, सात कर देगा, नौ कर देगा, दस कर देगा, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये ऐसा बन जाएगा। और ऐसा बनने के बाद में क्या होगा, अब अगर आप कार्टून लाइफ में जी रहे हैं तो ऐसा बनने के बाद में ये फट जाएगा ना, ठीक है, ये फट जाएगा, ठीक है। तो वैसी ही बात कुछ लेक के साथ में हो रही है, लेक फट नहीं रहा है, लेक मर रहा है। कैसे मर रहा है, कैसे मर रहा है? यहां पे ये लेक है, ठीक है, यहां पे ये लेक है, इसको यहां नहीं समझाता, यहां देखो ये एक लेक है ना। अब इस लेक के अंदर क्या चीज होती है, इस लेक के अंदर सबसे पहले तो यहाँ पे पूरा पानी वगैरह भरा हुआ है, सब एकदम सुख शांति वगैरह चल रही है, खूब सारी यहाँ पर फिशेज वगैरह है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे इंसान आता है, इंसान देखता है कि ये लेक जो है इतना ज़्यादा खुश कैसे है, मैं इसके अंदर क्या डालता हूँ, मैं इसके अंदर जो है नाली का पूरा कचरा डालता हूँ, और मैं इसके अंदर क्या डालूंगा, और मैं इसके अंदर जो भी अपना इंडस्ट्री का जो एफ्लुएंट वगैरह है, ठीक है, उसे डालूंगा, समझ में आया? तो यहाँ पे वो क्या करेगा, यहाँ पे वो एक इंडस्ट्री खोल देगा, और फिर उस इंडस्ट्री का जितना भी कचरा है वो सारा कचरा कहाँ जाएगा, वो सारा कचरा यहाँ पर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ जाएगी। क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ जाएगी, है ना। उसके अलावा यहाँ पे एक आदमी और आएगा, वो बोलेगा कि अच्छा ये भी और ज़्यादा खाली लग रहा है, मैं जो अपना फार्मिंग करता हूँ तो उस फार्मिंग का जितना भी कचरा वगैरह है वो सारा इसके अंदर जाने देता हूँ, समझ में, उसको रोकता नहीं हूँ, जितना भी पानी वगैरह जो भी मेरे केमिकल फर्टिलाइजर्स का पानी है उसको इसके अंदर जाने देता हूँ, है ना। तो एक तो अपन ने क्या क्या डाल दिया, एक तो अपन ने डाल दिया सीवेज, दूसरा अपन ने क्या डाल दिया, एग्रीकल्चरल का रन ऑफ, ठीक ना, एग्रीकल्चर रन ऑफ, और तीसरी अपन ने क्या चीज डाल दी, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, एफ्लुएंट, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ जाएगी, और न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ने की वजह से ये जो पानी है ये पानी ज़्यादा पोटेंट बन जाएगा, है ना, ज़्यादा इसके अंदर जो है ज़्यादा मतलब जो है बढ़िया एकदम हो जाएगा ग्रोथ वगैरह के लिए, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे, मल्टीपल ऑर्गेनिज्म्स होंगे, उनकी ग्रोथ के लिए पोटेंट हो जाएगा। मल्टीपल ऑर्गेनिज्म जैसे जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, या फिर दूसरी हजार प्रकार की एल्गी। अब ये दूसरी हजार प्रकार की जो एल्गी है, ये एल्गी क्या करेगी, ये एल्गी जो है इसके ऊपर खूब सारी जो इनकी मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि इनको खाने पीने को बहुत मिल रहा है ना, पानी तो है ही है, प्लस इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, तो अगर न्यूट्रिएंट्स होंगे तो इनको अच्छी कंडीशन मिल रही है ना ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पूरे ये जो पूरा जो रीजन दिख रहा है, इस पूरे के ऊपर क्या खूब सारी जो है एल्गी बढ़ने लग जाएगी, पहले यहाँ पर आएगी और यहाँ पर आएगी, फिर जो है वो धीरे 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 बढ़ती जाएगी, और बढ़ते बढ़ते क्या होगा, पूरे के पूरे इसको कवर कर लेगी, पूरे के पूरे लेक को कवर कर लेगी, है ना। इस स्टेज को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एल्गल ब्लूम, क्या बोलते हैं, एल्गल ब्लूम। अभी इन सारी चीज़ों को वहां पर भी पढ़ेंगे, अभी डिटेल के अंदर एक बार यहाँ पे समझ लो, इसी चीज़ को बोलते हैं एल्गल ब्लूम, क्या बोलते हैं, एल्गल ब्लूम। अब एल्गल ब्लूम के बाद क्या होगा, क्या ऊपर से जो पहले जो यहाँ पे जो सन था,
ठीक है, जो पहले यहाँ पे सन था, क्या अब उस सन की सनलाइट यहाँ तक पहुँच पाएगी, नीचे पहुँच पाएगी? नहीं पहुँच पाएगी, क्योंकि यहाँ पे सब तरफ क्या है, एल्गी है। तो अब जो नीचे जो कुछ एक फिशेज वगैरह थी, ठीक है, नीचे जो भी कुछ एक फिशेज वगैरह थी, क्या वो फिशेज अब सर्वाइव कर पाएंगी? नहीं, वो नहीं कर पाएंगी। क्यों क्यों नहीं कर पाएंगी? क्योंकि एक तो जो ऑक्सीजन है वो एक्सचेंज नहीं हो रहा है, एल्गी को तो ऑक्सीजन मिल रहा है, वो तो ऊपर ऊपर है, लेकिन नीचे ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो रहा, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, अगर सनलाइट नहीं आएगी तो नीचे जो पहले फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, समझ में आया? और फोटोसिंथेसिस नहीं करने की वजह से क्या होगा? फोटोसिंथेसिस नहीं करने की वजह से अब ये फिशेस जो है, ये इस एल्गी को तो खा नहीं सकती, है ना, इस एल्गी को तो खा नहीं सकती, इन्हें तो फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह को ही खाना था। धीरे धीरे उनकी जो है संख्या कम होने लग जाएगी, और अब कम होगी तो क्या होगा, यहाँ पे जो भी फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह है वो सारे कम होंगे तो क्या होगा, वो सब मरेंगे, और मरेंगे तो क्या होगा, वैसा तो है नहीं कि पानी के अंदर बॉडी जमा होती रहेगी, जमा होती रहेगी, जमा होती रहेगी, पानी के अंदर तो बॉडी सड़ जाएगी, है ना, बॉडी सड़ जाएगी, और सड़ जाने को ही अपन एनवायरमेंट के अंदर क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन बोलते हैं, समझ में आया? अब इस डीकम्पोजिशन के अंदर क्या होगा, इस डीकम्पोजिशन के अंदर जो है बॉडी को जो डेट्रीवोर्स और जो बैक्टीरियाज वगैरह हैं, ठीक है, वो बैक्टीरियाज खा जाएंगे, जिसके खाने की वजह से, जिनके खाने की वजह से जो है काफी सारा ऑक्सीजन वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, काफी सारा ऑक्सीजन निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, ठीक है। अपन ने पढ़ा था जब भी डेट्रीवोर्स जो हैं किसी ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक चीज को खाते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तब क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो यहाँ पे अगर ये इनको खाएंगे तो क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता जाएगा तो ऑक्सीजन पहले से बहुत ज्यादा कम था, और ज्यादा ऑक्सीजन जो है कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। देखो स्पाइरल के अंदर फंस गया अब लेख, है ना, धीरे 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 जो है स्पाइरल के अंदर फंस गया और अंदर की तरफ जो है खत्म होता जा रहा है। अंदर की तरफ खत्म होते जाने का क्या मतलब है, विशियस साइकिल। क्या होता है? विशियस साइकिल, पढ़ा ना अपन ने, विशियस और वर्चुअस साइकिल, है ना। फिर उसके बाद क्या चीज होगी, एक बार जो है यहाँ पे कार्बन वगैरह की मात्रा ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, सनलाइट वगैरह नहीं मिलेगी, फोटोसिंथेसिस वगैरह नहीं होगा, तो अब फिशेस भी क्या करेंगी, धीरे धीरे मरने लग जाएंगी। अब फिशेस भी जब मर रही हैं तब उसके अंदर क्या होगा कि वो मरने से पहले सांस, मतलब सांस नहीं, एनर्जी वगैरह थोड़ा बहुत तो जो भी अपना नॉर्मल प्रोसेस करेगी ना, उस नॉर्मल प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब रेस्पिरेशन के अंदर क्या होगा, रेस्पिरेशन के अंदर वो काफी सारा जो है ऑक्सीजन को बर्न करेगी और क्या छोड़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगी, ठीक है। कहाँ आएगा? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर डिटेल में आएगा, ठीक है। अब देखो इस प्रोसेस के अंदर क्या चीज हो रही है, इस प्रोसेस के अंदर रेस्पिरेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रहा है, इनके मर जाने की वजह से, ठीक है, इन लोगों के मर जाने की वजह से, कुछ फिशेस के मर जाने की वजह से बैक्टीरिया जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो लिमिटेड है, तो और ऑक्सीजन आ नहीं रहा है, पहले से ऑक्सीजन लिमिटेड है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, खाने को कुछ है नहीं, फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा है, तो पूरी तरीके से जो है ऑक्सीजन की मात्रा रुक गई है ना। इसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे मर जाएंगे और ऊपर क्या बचेगी, सिर्फ और सिर्फ एल्गी, ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे पानी भी सूख जाएगा, सिवाय एल्गी के और कुछ भी नहीं होगा, समझ में आया, ठीक है। बस इसी को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, और एल्गल ब्लूम और डेड लेक, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। ये इनके कॉजेज क्या क्या हैं, कॉजेज मैंने आपको अभी बताए, सबसे पहला वेस्ट वाटर डिस्चार्ज, दूसरा एग्रीकल्चरल रन ऑफ, ठीक है, और जो है इसी को सीवेज, सीवेज का वाटर डिस्चार्ज बोलते हैं, सीवेज डिस्चार्ज बोलते हैं, और तीसरा है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, ठीक है, आपको बता दिया मैंने। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, यहाँ पे देखो यही चीज़ हुई है यूट्रोफिकेशन के अंदर, ये सब यहाँ पे जो है फोटो के अंदर लिख रखा है, जो भी मैंने आपको समझाया, यहाँ पे ये डिकम्पोजिशन वगैरह चल रहा है जिसकी वजह से फर्दर ऑक्सीजन डिप्लीट होता जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पे ये देखो जो प्लांट्स थे, ठीक है, वो यहाँ पे फ्लरिश करने लग जाएंगे, एल्गल ब्लूम देखो, यहाँ पे एल्गल ब्लूम हो गया, ऑक्सीजन जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, एल्गी का लेयर है, ठीक है। फिर बाद में जो है लास्ट में डेथ ऑफ इकोसिस्टम हो जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डेथ ऑफ लेक, समझ में आया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, ये सब चीज़ें हो गई, ये सब चीज़ें हो गई, न्यूट्रिएंट लोडअप से ये कहानी पूरी शुरू हुई थी। किससे शुरू हुई थी? न्यूट्रिएंट लोडअप से। यहाँ पे डिकम्पोजर्स वगैरह के बारे में बता दिया, न्यूट्रिएंट मटेरियल वगैरह ये सारी चीज़ें बता दी। ऐसा जो है ये थोड़ा बहुत यहाँ पे जो ग्रीन ग्रीन ये पूरा एरिया दिख रहा है ना आपको, ये है एल्गल ब्लूम। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है लेकिन फिर भी ये सारी एल्गीज है, ठीक है, ये है एल्गल ब्लूम। अब क्या होता है कि यहाँ पर इस पानी के अंदर खूब सारे न्यूट्रिएंट्स आ गए,
जिन सारे न्यूट्रिएंट्स आने की वजह से यहाँ पे ये सब कुछ एल्गी जो है इकट्ठी होने लग गई है। धीरे धीरे अगर इनको ट्रीट नहीं करा गया, इनका ध्यान नहीं रखा गया, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये धीरे धीरे यहाँ से यहाँ की तरफ आ रही है ना, यहाँ पर भी हल्की हल्की देखने को मिल रही है ना। तो अगर इसको टाइम पे ट्रीट नहीं करा गया तो ये पूरे के ऊपर भर जाएगी, और फिर उसके बाद क्या होगा, ये पूरी की पूरी जो नदी है इसकी डेथ हो जाएगी, है ना। फिर देखो फिर क्या चीज़ है। अब दो तरीके के लेक होते हैं, एक होता है ऑलिगोट्रॉफिक लेक और दूसरा होता है यूट्रॉफिक लेक। ठीक है, यूट्रॉफिक लेक आप वर्ड से अभी नाम से समझ गए होंगे कि यूट्रॉफिक मतलब जिसके अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज्यादा होगी, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज्यादा होगी। अब यहाँ पे मैंने पूरा लिख रखा है एक्वेटिक प्लांट प्रोडक्शन, यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा, समझ में आया। यहाँ पे लो है, इन दोनों के बीच में एक और चीज आती है मीजोट्रॉफिक, ठीक है, तो उसको आप पढ़ सकते हो। बट यहाँ पे जैसे यहाँ पे लो है, यहाँ तो एलिमिनेट हो चुका है, समझ में आया। फिर उसके बाद एक्वेटिक एनिमल प्रोडक्शन एलिमिनेट हो चुका है, उसका अलावा क्या चीज है, ऑक्सीजन एब्सेंट है ही नहीं, समझ में आया। यहाँ पे प्रेजेंट तो है, यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट हो जाता है। डेप्थ जो है इसकी डीपर होती है, इसकी शैलोवर होती है, धीरे धीरे सूखने लग जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज है, वाटर क्वालिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा पुअर होती है और यहाँ पर गुड होती है ना। फिर क्या चीज है, नंबर ऑफ प्लांट्स यहाँ पे मेनी होते हैं, यहाँ पे फ्यूअर होते हैं, जिसके अंदर प्राइमरीली एल्गी ही होती है और कुछ नहीं होता है। फिर उसके बाद क्या चीज है, कॉजेज इसके क्या क्या होते हैं, देखो भाई ये जो एल्गल ब्लूम वगैरह है इनके क्या कॉजेज होते हैं। सबसे पहला फॉस्फेट्स, ठीक है, ये फॉस्फेट्स कहाँ से आ रहे हैं, एग्रीकल्चर से आ रहे हैं। अभी अपन ने जो है अभी अभी जब अपन रिविजन कर रहे थे पिछली वाली क्लास का, तब तो अपन ने देखा था कि अगर पानी के अंदर फॉस्फेट्स की मात्रा ज़्यादा होगी तो ऐसी बड़ी बड़ी जो है उसके अंदर घास उग जाएगी, ठीक है, वो फ्लोटिंग भी हो सकती है और जो है अटैच्ड भी हो सकती है ना, इतनी बड़ी बड़ी वहाँ पर घास उग जाएगी। तो फॉस्फेट्स की मात्रा की वजह से एक तो ये चीज़ हो सकती है, दूसरा जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की वजह से भी ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स कहाँ से आते हैं, फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से आते हैं। फॉसिल फ्यूल की जब अपन बर्निंग करते हैं तो एक तो निकलता है जो है SO2, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, और एक निकलता है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज है भाई, इफेक्ट्स, हाँ क्या बता रहा था मैं आपको, इफेक्ट्स। अब ये जो चीज़ है इसके क्या इफेक्ट होते हैं, सबसे पहला एल्गल ब्लूम मैंने आपको बता दिया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाता है, किसका, एल्गी का। एक्सप्लोजन का क्या मतलब है, अचानक भयानक मात्रा से जो है पॉपुलेशन बढ़ जाती है, पहले इतनी थी फिर इतनी हो गई, ठीक है, तो इस लेवल से जो है पॉपुलेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सनलाइट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, सारा का सारे ऑक्सीजन ले लेती है, फिर बाद में ऑक्सीजन की मात्रा और कम होने लग जाती है, क्योंकि माइक्रोब्स जो हैं वो डेड एल्गी को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। उसके बाद क्या, दूसरे ऑर्गेनिज्म भी रिस्पायर करेंगे, रेस्पिरेशन वगैरह का मैंने आपको बता दिया, जिस रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है। अब देखो इस बाल्टी को देखो, इस बाल्टी के अंदर जो चीज़ हो रही है वो पहले लेक के अंदर हो रही थी, लेक के अंदर क्या हो रहा था, लेक के अंदर कुछ एक ऑर्गेनिजम्स थे, वो उस समय भी रिस्पायर तो करते ही थे, उस समय भी मछलियां मरती तो थी ही, सड़ती तो थी ही, उस समय भी उनका डिकम्पोजिशन तो होता ही था, सब कुछ चीज़ें होती थी। लेकिन उस समय पर क्या होता था, यहाँ से जो है फोटोसिंथेसिस वगैरह हो रहा था, सनलाइट वगैरह आ रही थी और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा था, है ना, जिसकी वजह से काम चल जाता था। अब यहाँ पे देखो जैसे ये बाल्टी है, इस बाल्टी के अंदर जब तक ये नल है, ठीक है, तब तक तो ये बाल्टी कम से कम यहाँ तक तो भरी भी होगी ना, थोड़ी बहुत तो भरी भी होगी, ठीक है। लेकिन अगर एक बार ये नल भी जो है वो बंद हो गया, ठीक है, नल भी जो अगर एक बार बंद हो गया तो फिर उसके बाद तो ये पूरी की पूरी खाली होने लग जाएगी, समझ में आया, और एक्सपोनेंशियल लेवल से खाली होने लग जाएगी, फिर कुछ भी नहीं बचेगा इसके अंदर। यही चीज़ यहाँ पर हुई है, जब तक ऊपर से कुछ कुछ आता रहता था, अपन यहाँ पे कुछ कुछ करते थे कोई बात नहीं, लेकिन अगर यहाँ से बंद हो गया तो फिर यहाँ पे मामला गड़बड़ा जाएगा। नेक्स्ट चीज टॉक्सिसिटी, ये मैंने आपको नहीं बताया, ये भी इंपॉर्टेंट है। टॉक्सिसिटी के अंदर क्या होता है, कई बार जो ऐसे काफी सारे बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, इन सबको जो है इन सब का एक तो जो डिकम्पोजिशन वगैरह हो रहा है, एल्गल ब्लूम वगैरह ये सारी चीज हो रही है, जिनकी वजह से काफी सारे यहाँ पे बैक्टीरियाज ऐसे पनपने लग जाते हैं जो कि टॉक्सिक गैसेज रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं, टॉक्सिक गैसेस रिलीज करते हैं और टॉक्सिक काफी सारा मटेरियल रिलीज करते हैं। टॉक्सिक का मतलब होता है पॉइजनस, समझ में आया, टॉक्सिक का मतलब होता है पॉइजनस। अब ये जो पॉइजनस मटेरियल रिलीज करेंगे इसकी वजह से क्या होगा, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई सारी की सारी फिशेज एक ही दिन में मर जाएगी, है ना, मान लो कि भाई कुछ फिशेज नहीं मरी तो उन्होंने इस टॉक्सिक मटेरियल को अपने अंदर ले लिया, अपनी बॉडी में ले लिया, है ना, जब अपन ने पढ़ा था वो वाला प्रोसेस बायो मैग्निफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन वगैरह वाला, है ना। तो बायो मैग्निफिकेशन में क्या होगा, बायो मैग्निफिकेशन में जब इन्होंने कुछ फिशेज ने अपने अंदर ये टॉक्सिक मटीरियल ले लिया, फिर अपन इस फिश को पकड़ के खाएंगे, और जब अपन इस फिश को पकड़ के खाएंगे तब वो टॉक्सिक मटेरियल अपने अंदर आ जाएगा, समझ में आया, जिसकी वजह से कई बार लोगों को फूड पॉइजनिंग वगैरह भी हो जाता है, कई बार जो है ऐसे काफ़ी सारी
जगहों से जो शेल फिशेस होती हैं, ठीक है, तो उनके अंदर उससे काफ़ी सारे लोगों को जो है तकलीफ़ हो जाती है, ऑयस्टर्स वगैरह से काफ़ी सारे लोगों को तकलीफ़ हो जाती है। फिर उसके अलावा क्या चीज़ है जो लेक के आसपास जो हवा है, ठीक है, उस लेक के आसपास की हवा के अंदर भी ये टॉक्सिक गैसेस रिलीज हो सकती है, जिसकी वजह से अगर आप यहाँ पे टूरिज्म वगैरह करने जाओगे तो भी आपको जो है काफ़ी काफ़ी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। समझ में आया? ठीक है, फिर बायोडायवर्सिटी तो कम हो ही जाएगी लेक के अंदर, मान लो कि भी काफ़ी सारी पहले फिशेज वगैरह पाई जाती थी, काफ़ी सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स वगैरह थे, लेकिन अब वो है धीरे धीरे सबके सब मरने लग जाएंगे, तो वहाँ पे जो जो भी वहाँ की जो भी यूनिक बायोडायवर्सिटी होगी वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लॉस ऑफ कोरल रीफ्स, अगर वहाँ पे कोरल रीफ्स वगैरह हैं तो उनकी भी डेथ हो जाएगी। कोरल रीफ्स क्या होते हैं डिटेल के अंदर आगे आएगा। इफेक्ट ऑफ इफेक्टिंग टूरिज्म, टूरिज्म इको टूरिज्म वगैरह जो चीज़ें हैं उन सबके ऊपर इफेक्ट आएगा, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ऐसे ऐसा जो सबसे पहली बात तो ऐसा जो लेक दिख रहा है, ठीक है, उसके अंदर कोई जाना भी नहीं चाहेगा, ऐसा जो लेक दिख रहा है उसके अंदर कोई जाना भी नहीं चाहेगा, इसको कौन देखने जाए, लोग क्लीन पानी को देखने जाते हैं ना, ऐसे पानी को थोड़ी देखने जाते हैं। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, चेंज इन इकोसिस्टम, धीरे धीरे चूंकि ये लेक जो है ये लास्ट में चीज़ होगी, धीरे धीरे चूंकि ये लेक जो है पूरी तरीके से सूखता चला जाएगा, तो पहले जहाँ पे एक्वेटिक हुआ करता था अब वहाँ पे टेरेस्ट्रियल होगा, यहाँ पर भी पेड़ उगेंगे, समझ में आया, अब यहाँ पे टेरेस्ट्रियल होगा। फिर उसके बाद क्या चीज़ है मिटिगेशन, इसे ये जो एल्गल ब्लूम और यूट्रोफिकेशन की जो बीमारी है इससे अपन कैसे बच सकते हैं, कैसे इसे रोका जा सकता है, लेकिन वो पढ़ने से पहले एक बार पढ़ेंगे कि अभी अपन ने क्या देखा, कॉजेस क्या क्या होते हैं इसके, पहला फॉस्फेट्स, दूसरा नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ठीक है, और इफेक्ट्स ये इसके यूट्रोफिकेशन के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला एल्गल ब्लूम, जिसको अपन क्या कहेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है, उसके बाद क्या चीज़ हैवी ऑक्सीजन डिप्लीशन, उसके बाद क्या चीज़ है टॉक्सिसिटी, उसके अलावा क्या है डिक्रीजिंग बायोडायवर्सिटी, उसके अलावा लॉस ऑफ कोरल रीफ्स, उसके अलावा इफेक्टिंग टूरिज्म और चेंज इन इकोसिस्टम। बिल्कुल सही। अब मिटिगेशन, कैसे अपन इस चीज़ से बच सकते हैं, यूट्रोफिकेशन और जो है डाइंग ऑफ लेक से अपन कैसे बच सकते हैं, सबसे पहले रिमूवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, सबसे पहला जो अपन काम कर सकते हैं जो एक्सेस न्यूट्रिएंट्स आ गए उन सबको हटा दो। तो कैसे हटाओगे, अगर अगर मान लो ये ग्लास है, ठीक है, इस ग्लास के अंदर इतनी एल्कोहल है, ठीक है, इतनी एल्कोहल है, अब इस एल्कोहल की मात्रा को अपन को कम करनी है, तो अपन क्या करेंगे इसके अंदर पानी की मात्रा बढ़ा देंगे, तो ओवरऑल ग्लास के अंदर से एल्कोहल की मात्रा कम हो जाएगी ना, परसेंटेज के अंदर एल्कोहल की मात्रा कम हो जाएगी। तो अगर लेक के अंदर से आपको न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को कम करना है, तो उसके अंदर दूसरा जो बिना न्यूट्रिएंट वाला पानी है उसे डाल दो, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से जो है न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बैलेंस हो जाएगी। समझ में आया? तो फ्लशिंग विथ पुअर न्यूट्रिएंट वाटर्स, ठीक है, ऑन साइट एल्गी रिमूवल भी कर सकते हैं, है ना, ऑन साइट एल्गी रिमूवल क्या होता है, ऊपर ऊपर से जितनी भी एल्गी है उसको स्किम करके हटा दो, है ना। फिर और क्या चीज़ हो सकती है, राइपेरियन बफर बनाओ, राइपेरियन बफर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, राइपेरियन बफर के ऊपर जो ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है, और जो अमेरिकन हैं ये काफ़ी ज़्यादा फोकस देते हैं, अपन लोग इतना फोकस नहीं देते। तो देखो राइपेरियन बफर के अंदर क्या चीज़ होती है, राइपेरियन बफर जो बड़े बड़े गार्डन्स होते हैं जगह जगह, समझ में, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जैसे अगर आपने कभी ये जो है इनकी मूवीज़ देखी होगी, अब ये अब वहाँ पे ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर तो ठीक है न्यू दिल्ली में बनाने की कोशिश करी, वहाँ पे तो उनके पास ज़मीन ही नहीं थी, क्या बनाते, ठीक है, यूके में तो ज़मीन ही नहीं है। जैसे अगर आप यूएस देखोगे तो वहाँ पे वॉशिंगटन डीसी वगैरह ये रोड है ना, ये फुटपाथ चलता है वहाँ पे, यहाँ पे तो फुटपाथ नज़र ही नहीं आता, बट ये जैसे ये रोड है ये यहाँ पे फुटपाथ वगैरह चलता है, और उसके बाद इतना बड़ा गार्डन है, और फिर कुछ बिल्डिंग्स है ना, इतने इतने बड़े बड़े गार्डन है और फिर कुछ बिल्डिंग्स हैं, तो क्या चीज़ होगी, जब यहाँ पे खूब सारा पानी आएगा तो पानी कौन सोख लेगा, गार्डन सोख लेंगे, समझ में आया। इन्हें राइपेरियन बफर कहा जाता है, राइपेरियन बफर का मतलब होता है कि कोई भी लेक या ऐसी कोई भी वेटलैंड वगैरह या फिर गार्डन वगैरह अगर ऐसी चीज़ जो है आप किसी इंपॉर्टेंट चीज़ से पहले बना देते हो तो वो उस चीज़ को जो है सोख लेती है, उस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा मात्रा को कंटेन कर लेती है। अब जैसे मान लो कि अगर कोई नदी है, इसके ऊपर प्री के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, अगर कोई नदी है तो वो डेल्टा बना रही है, ठीक है, डेल्टा इसके ऊपर अगर आपको याद हो तो डेल्टा बना रही है, अब जो वो डेल्टा बनाएगी तो वो डेल्टा बनाने से पहले अगर वहाँ पे कोई लेक आ जाए तो क्या वो डेल्टा बना पाएगी, नहीं बना पाएगी, क्योंकि जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होंगे उनका फ्लो जो है वो यहीं पर रुक जाएंगे, समझ में, वहाँ तक नहीं जा पाएंगे। तो राइपेरियन बफर के अंदर क्या कर सकते हो, ये जो लेक है इस लेक के आसपास ऐसा गार्डन टाइप बना सकते हो, इससे क्या होगा रिक्रिएशनल एक्टिविटी भी होगी, टूरिज्म वगैरह भी प्रमोट होगा, और दूसरा क्या होगा, दूसरा ये एक आइडियल बफर की तरह काम करेगा,
समझ में आया? अगर यहाँ से एग्रीकल्चर वगैरह का कुछ भी वो आउटपुट वगैरह कुछ भी आता तो वो पहले यहाँ जाएगा और इस चीज़ को कंट्रोल कर देगा। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे, यहाँ नहीं होंगे। समझ में आया? बिल्कुल सही। फिर क्या है, सीवेज, जो भी आप सीवेज डिस्पोज ऑफ करते हो उसे ट्रीट करके डालो, ठीक है? ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्राटमेंट नहीं है, ये ट्रीटमेंट है, ठीक है? ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस को मैंने आपको बता दिया, उनका भी ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें ट्रीट करो ताकि वो जो है हार्मफुल ना हो लेक के लिए, है ना? उसके बाद क्या चीज़ है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेक्स्ट चीज़ आती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब समझो ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसे टाइप की फार्मिंग है जिसके अंदर किसी भी प्रकार के केमिकल फर्टिलाइजर्स और केमिकल जो पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं, ठीक है, उनका यूज़ नहीं किया जाता है। ये जो है कम्प्लीटली नेचुरल होती है। क्या होती है? कम्प्लीटली नेचुरल होती है। तो इस प्रकार की फार्मिंग को प्रमोट किया जाए, अगर इसे प्रमोट किया जाएगा तो ये जो एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स वगैरह अपन डालते रहते हैं उन एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स के अंदर रोक लगेगी, और जो एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स अगर रोक लगेगी तो जो वो जो वहाँ से निकल के जो बह के और फिर पानी में जाते हैं, जो ये लेक्स वगैरह के अंदर जाते हैं, वो भी चीज़ नहीं होगी। समझ में आया? वो भी चीज़ नहीं होगी। फिर क्या चीज़ है, पॉलिसीज कुछ बनाने की ज़रूरत है, जैसे कि एजुकेशन और अवेयरनेस वगैरह क्रिएट करने के लिए, रिसर्च मॉनिटरिंग एवेल्यूएशन के लिए, रेगुलेशंस के लिए, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स देने की ज़रूरत है। जो भी लोकल गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनको इकोनॉमिक इंसेंटिव्स दो कि तुम इसके ऊपर काम करो। समझ में आया? अभी कुछ टाइम पहले अपन ने 15th फाइनेंस कमीशन और 16th फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ा था, तो 16th फाइनेंस कमीशन के अंदर ये चीज़ आ सकती है ना। 16th फाइनेंस कमीशन इस चीज़ को इनकॉपरेट कर सकता है कि अगर तुम एनवायरमेंट वगैरह के ऊपर काम करोगे, इन चीज़ों के ऊपर काम करोगे, तो तुम्हें ज़्यादा जो है इंसेंटिव दिए जाएंगे। उसके अलावा क्या चीज है, रेस्टोरेशन एक्टिविटीज। रेस्टोरेशन एक्टिविटीज का मतलब होता है जो लेक्स हैं उन्हें रिस्टोर करने की कोशिश की जाए। क्या की जाए? उन्हें रिस्टोर करने की कोशिश की जाए, जो लेक्स बिगड़ गए हैं उनके ऊपर भी काम किया जाए। अब समझो क्या पढ़ा, अभी अपन ने देखा कि कैसे अपन जो है इस ये यूट्रोफिकेशन और इस सिचुएशन से बच सकते हैं। तो मिटिगेशन के अंदर सबसे पहले रिमूव करो जो न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं, उन्हें रिमूव करो, है ना? तो रिमूव करने के दो तरीके हैं, एक तो ऊपर से एल्गी वगैरह रिमूव करो, है ना? दूसरी बात जो न्यूट्रिएंट आ गए हैं, ठीक है, तो उनके अंदर क्या करो, दूसरी पानी जो है उसे मिक्स कर दो ताकि वो बैलेंस हो जाए। तीसरी बात, राइपेरियन बफर बनाने की बात है, ताकि सेडिमेंट्स और न्यूट्रिएंट्स जो है वो बफर में डिपॉजिट हो, ना कि लेक में, है ना? चौथी बात, ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, ठीक है? इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स और सीवेज वगैरह का जो है ट्रीटमेंट करके वहां पे अगर आपको डिस्पोज ऑफ करना है तो पहले इनका आप जो है ट्रीटमेंट करो, फिर डिस्पोज ऑफ करो, है ना? अब बट ऑब्वियस ही बात है, इकट्ठा तो करके रख नहीं सकते, है ना? तो ट्रीटमेंट करो फिर डिस्पोज ऑफ करो, डायरेक्टली उन्हें अनलोड मत करो, है ना? फिर उसके बाद क्या चीज़ है, ऑर्गेनिक फार्मिंग अपन ने देख लिया। पॉलिसीज, किन किन पॉलिसीज़ की, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के इंटरवेंशन की ज़रूरत है? सबसे पहले एजुकेशन एंड अवेयरनेस। लोग इतने ज़्यादा अवेयर नहीं है एग्रीकल्चर, खासकर फार्म जो फार्मर्स वगैरह हैं वो तो बिल्कुल भी अवेयर नहीं है। तो अगर वो अवेयर होंगे, अगर उन्हें पता होगा कि भाई इन सब चीज़ों का अगर वो ध्यान रखेंगे तो उन्हें ही फ़ायदा है, उनको खुद को ही फ़ायदा है, समझ में आया? तो वो इस चीज़ की इंपॉर्टेंस समझेंगे। उसके अलावा रेगुलेशंस, रेगुलेटरी बॉडीज़ वगैरह जो है उन्हें बनाओ ताकि वो ध्यान रखें, ठीक है, कि ऐसी कोई चीज़ ना हो। उसके अलावा इकोनॉमिक इंसेंटिव्स प्रोवाइड करो। अगर आप इस जो है इस एरिया के अंदर अगर आप अच्छा काम करते हैं, या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, लोकल गवर्नमेंट्स है, अगर वो इस एरिया के अंदर जो भी अपने इनिशिएटिव्स वगैरह लेती है, तो उन सबको जो है इकोनॉमिक इंसेंटिव्स दो कि हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं, ताकि वो इस बात में मोटिवेट हो ना करने को, वरना कोई क्यों करेगा, ठीक है? फिर उसके बाद रेस्टोरेशन एक्टिविटीज, जो लेक अब जो डेड हो रहे हैं उन्हें भी रिस्टोर करने की कोशिश करो, उनको भी क्लीन वगैरह करो, सही करो, है ना, ताकि वो भी रिस्टोर हो। अब यहाँ पे देखो, ये वही सारी चीज़ों को अपन ने वैसे दिख रखा है। एग्रीकल्चर रन ऑफ, अनट्रीटेड सीवेज वगैरह कहाँ जाएगा, एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर जाएगा, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएंगे, जिसकी वजह से ओवर ग्रोथ ऑफ एल्गी होगा, जिसकी वजह से एल्गल ब्लूम होगा, जिसके बाद क्या होगा, एल्गी जो है पूरे के पूरे सरफेस को पकड़ लेगी। उसके बाद क्या होगा, जो जो डिफ्यूजन है, जो ये ऑक्सीजन वगैरह, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। उसके बाद क्या चीज़ होगी कि अंडरग्राउंड एक्वेटिक एल्गी की ग्रोथ बढ़ने लग जाएगी, प्लांट्स धीरे धीरे मरने लग जाएंगे, बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन होगा तो जो अवेलेबल ऑक्सीजन है वो भी जाने लग जाएगा, है ना? और एनोक्सिया कंडीशन, एनोक्सिया कंडीशन का मतलब होता है डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन। इसके ऊपर डायरेक्ट प्री के अंदर क्वेश्चन बन जाएगा।
एनोक्सिया कंडीशन, अभी कुछ टाइम पहले एक वो पता नहीं क्या था, ऑक्सीटोसिन ऐसा कुछ एक चीज़ थी, ठीक है, तो उसके ऊपर एक कोई क्वेश्चन बना था, ठीक है, कब 2022 में या फिर 2021 में, है ना, इसके ऊपर ऑक्सीजन की कोई चीज़ थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, वो कोविड से रिलेटेड कुछ ना कुछ था, ठीक है, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन बना था, फिर ऑल एक्वेटिक इकोसिस्टम्स, ऑल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डाइड ड्यू टू लैक ऑफ ये डिजॉल्व ऑक्सीजन, है ना, फिर डिग्रेडेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम वगैरह, ये सारी चीज़ें। अभी अपन ने लेक इकोलॉजी पढ़ी, अब इस लेक इकोलॉजी में अपन ने क्या पढ़ा, लेक इकोलॉजी में सबसे पहले तो अपन ने जोन्स पढ़े, है ना, लिमिटिंग फैक्टर्स पढ़े, इन लिमिटिंग फैक्टर्स के अंदर क्या चीज़ आती है, लिमिटिंग फैक्टर्स के अंदर, चलो जूम इन करते हैं, सबसे पहले अपन ने लिमिटिंग फैक्टर्स पढ़े, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिटिंग फैक्टर्स के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा, एक तो अपन ने सनलाइट पढ़ा, दूसरा अपन ने ऑक्सीजन पढ़ा, तीसरा अपन ने टेम्परेचर पढ़ा, चौथा अपन ने ट्रांसपेरेंसी पढ़ा, है ना, इन सब की अलग अलग अपन ने चीज़ें देखी, जो सनलाइट है उसके ऊपर अपन ने सॉरी फोटिक एंड एफोटिक जोन्स देखे, ठीक है, फोटिक एंड एफोटिक जोन्स देखे, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ अपन ने क्या पढ़ी, इन लिमिटिंग फैक्टर्स के बाद, इन लिमिटिंग फैक्टर्स के बाद अपन ने देखा कि लेक का भी एक लाइफ साइकिल होता है, वो क्या करता है, उसकी जो है बर्थ होता है, फिर उसके बाद उसकी ग्रोथ होती है, उसके बाद वो जो है डिके डेड हो जाता है, समझ में आया, और फिर क्या चीज़ देखी अपन ने, फिर लेक के लाइफ साइकिल के बाद अपन ने देखा यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन के अपन ने दो टाइप्स देखे, कौन कौन से टाइप्स देखे, एक देखा नेचुरल और दूसरा देखा कल्चरल, नेचुरल जो है उसके अंदर मिलेनिया लग जाता है, 1000 साल लग जाते हैं, और जो कल्चरल है वो कुछ डिकेड्स के अंदर ही हो जाता है, समझ में आया, ठीक है, कुछ दशकों में ही हो जाता है, फिर उसके बाद अपन ने दूसरी चीज़ क्या देखी, इस यूट्रोफिकेशन के कॉजेस देखे, है ना, इसके कॉजेस देखे, इसके कॉजेस कौन कौन से होते हैं, एक तो फॉस्फेट्स होते हैं और दूसरा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, है ना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स कहाँ से आते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स आते हैं फॉसिल फ्यूल से, है ना, और जो फॉस्फेट्स हैं ये कहाँ से आते हैं, ये फॉस्फेट फॉस्फेट साइकिल के अंदर भी डिस्कस अपन कर चुके हैं, ठीक है, उसके अलावा मल्टीपल जो है जो एनपीके है, ठीक है, एनपीके यानी कि जो फर्टिलाइजर्स वगैरह है उनके अंदर से भी आते हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ें आती है, और ये चीज़ निकल कहाँ से रही है, कर कौन रहा है, ठीक है, तो हु टू ब्लेम, हु टू ब्लेम के अंदर अपन ने किस किस को देखा, अपन ने तीन चीज़ों को देखा, पहले अपन ने एग्रीकल्चरल रन ऑफ देखा, दूसरा अनट्रीटेड सीवेज देखा, तीसरा अपन ने इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट देखा, है ना, तो ये सारी चीज़ें अपन ने देख ली, फिर अपन ने देखा कि एल्गल ब्लूम क्या चीज़ होती है ना, उसके बाद अपन ने पूरा का पूरा ये लाइफ साइकिल वगैरह समझा कि कैसे जो है लेक की डेथ हो रही है, ठीक है, उस चीज़ को अपन ने डिटेल में समझा, उसके बाद उसके अलावा अपन और क्या चीज़ समझ चुके हैं, उसके अलावा अपन ने ये समझा कि मिटिगेशन का क्या तरीका होता है, कैसे अपन इस चीज़ को रोक सकते हैं, कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, उसके अलावा क्या पढ़ा, किन पॉलिसीज़ की ज़रूरत है ना, किन पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, और क्या पढ़ा, बस यही पढ़ा मेरे ख्याल से, ठीक है, मिटिगेशन पॉलिसीज वगैरह ये सारी चीज़ें, देखो ये सब पढ़ लिया, ठीक है, वेरी गुड, नेक्स्ट चीज़ आती है वेटलैंड इकोसिस्टम, वेटलैंड इकोसिस्टम को नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, ठीक है, वेटलैंड इकोसिस्टम को नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, चलो थैंक यू वेरी मच, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, थैंक यू।